दोस्तों एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी मूवी को सुशांत सिंह राजपूत के करियर की सबसे बेस्ट मूवी कहना गलत नहीं होगा। इस मोटिवेशनल मास्टरपीस बायोपिक मूवी को एक बार देखने के बाद भी दोबारा देखने का मन करता है, क्योंकि मूवी थी ही इतनी जबरदस्त है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको एमएस धोनी मूवी के बिहाइंड द सीन्स, उसके मेकिंग प्रोसेस और शूटिंग बीटीएस दिखाने वाले हैं, वो भी कंप्लीट डिटेल के साथ। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए अब जानते हैं मूवी के बिहाइंड द सीन्स के बारे में। दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है एक स्टेडियम के सीन के साथ, जिसमें आपने लोगों से भरा हुआ एक स्टेडियम देखा ही होगा। दरअसल यह VFX उसी टाइम का है। स्टेडियम में भीड़ को दिखाने के लिए VFX की हेल्प से लोगों की संख्या को बढ़ा दिया गया था। आप स्क्रीन पे इस वाले सीन को देख सकते हैं। ये बिहाइंड द सीन उस टाइम का है जब धोनी सर मैच खेलने के लिए स्टेडियम में आते हैं। आप सुशांत सर को इस वाले सीन की शूटिंग करते हुए स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये बिहाइंड द सीन महेंद्र सिंह धोनी के इंटर स्कूल ट्रॉफी का है, जब धोनी की उम्र लगभग 16 साल की होती है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैसे धोनी सर को यंग दिखाने के लिए एक कम हाइट के लड़के को कास्ट किया गया था, जिसके पेस पर आप ग्रीन कलर के ट्रैकिंग पॉइंट्स देख सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, इन ट्रैकिंग पॉइंट्स की हेल्प से सुशांत सर के पेस को रिप्लेस किया गया था। आप स्क्रीन पर इस सीन का VFX देख सकते हैं। इसमें एक कम हाइट के लड़के का पेस हटा के सुशांत सर का पेस रिप्लेस कर दिया गया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि सुशांत सर के पेस को रियल में सेम कैमरा एंगल से शूट किया गया था, यानी कि इसमें सुशांत सर का किसी भी प्रकार का CGI मॉडल यूज नहीं लिया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि पहले इस बायोपिक मूवी को अक्षय कुमार करना चाहते थे और वो चाहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत 17 साल वाले धोनी का रोल प्ले करे, लेकिन डायरेक्टर नीरज चोपड़ा की पहली और लास्ट चॉइस सुशांत सिंह राजपूत ही थे। यह बिहाइंड द सीन 1999 का है, जब सुशांत सर अपने कॉलेज से एग्जाम देकर रेलवे स्टेशन जाते हैं। आप सुशांत सर को इस वाले सीन के लिए शूटिंग करते हुए देख सकते हैं। साथ ही साथ आप बाइक पर तीन दोस्तों को बैठते हुए भी देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस मूवी में दिखाए गए खड़गपुर वाले रेलवे स्टेशन को रियल में खड़गपुर रेलवे स्टेशन वाले लोकेशन पर ही शूट किया गया था। यह बिहाइंड द सीन सुशांत सर के मेकअप का है। आप स्क्रीन पर सुशांत सर की टीम को सुशांत के बालों में विग लगाते हुए देख सकते हैं। दोस्तों ये बिहाइंड द सीन उस टाइम का है जब MS धोनी और उनका परिवार एक एक अंगुली से मिलने उनके घर जाते हैं, और ये सीन कौन तुझे यूं प्यार करेगा सॉन्ग का है। आप स्क्रीन पर सुशांत सर और दिशा पटानी को मेकअप टीम के साथ देख सकते हैं। और ये वाला सीन उस टाइम का है जब धोनी सर की एक्स प्रियंका धोनी सर के लिए वैलेंटाइन गिफ्ट लेके कार से घर जा रही होती है। दोस्तों आपको बता दें कि इस सीन को किसी भी सड़क पर शूट नहीं किया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे ग्रीन बैकग्राउंड को यूज करके इस सीन को शूट किया गया था, जिसे कि बाद में पहले से शूट किए गए रोड के साथ रिप्लेस कर दिया गया था। दोस्तों मूवीज में ग्रीन और ब्लू बैकग्राउंड का यूज बैकग्राउंड को आसानी से रिप्लेस यानी रिमूव करने के लिए किया जाता है। आप स्क्रीन पर दिशा पटानी को प्रियंका का रोल करते हुए देख सकते हैं। दोस्तों आपको फिल्म में लव इमोशनल वाला सीन तो याद ही होगा, जब प्रियंका के एक्सीडेंट हो जाने की बात धोनी सर को पता चलती है। अब आप यहां पर इस वाले सीक्वेंस की शूटिंग होते हुए देख सकते हैं। यहां पर सुशांत सर का रोड पर चलने वाला सीन शूट किया जा रहा है। और दोस्तों यह बिहाइंड द सीन उस टाइम का है जब 2005 में इंडिया और पाकिस्तान का सेकंड ODI होता है। इस मूवी को रियलिस्टिक फील देने के लिए 2005 वाले मैच के रियल मैच को ही यूज लिया गया था, पर मूवी के हर सीन में धोनी सर की जगह पर सुशांत सर को दिखाया गया था। दोस्तों इस तरह की शूटिंग करने के लिए रियल मैच वाले सीन को बारीकी से समझा जाता है, और फिर सेम कैमरा एंगल से सुशांत सर वाले सीन को शूट किया गया था। आप यहां देख सकते हैं कि सीन को शूट करने के लिए सुशांत सर का अलग से ग्रीन स्क्रीन पर सीन शूट किया गया था, जिसे बाद में रियल मैच के साथ ऐड कर दिया गया था। यह बिहाइंड द सीन 2007 के ODI मैच के बाद का है। यहां आप सुशांत सर को रनिंग करते हुए देख सकते हैं।
और ये बिहाइंड द सीन उस टाइम का है जब 2010 में धोनी सर से खड़गपुर रेलवे स्टेशन वाला फ्रेंड कोलकाता मिलने आता है। आप इस वाले सीन का बिहाइंड द सीन स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों आपको 2011 का फाइनल वर्ल्ड कप तो याद ही होगा, इंडिया वर्सेस श्रीलंका का यह मैच बहुत ही रोमांचक था। आप यहाँ स्क्रीन पे इस वाले सीक्वेंस के बिहाइंड द सीन देख सकते हैं। यहाँ पर भी सेम पहले वाले टेक्निक का ही यूज किया गया था। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैसे इस सीन को शूट करने के लिए सुशांत सर का अलग से ग्रीन स्क्रीन पे सीन शूट किया गया था, जिसको बाद में रियल मैच के साथ ऐड कर दिया गया था। दोस्तों इस मूवी में सुशांत सर के डेडिकेशन लेवल को देखकर आप चौंक जाओगे। धोनी सर के कैरेक्टर को कैच करने के लिए सुशांत सर ने 18 महीने की एक लंबी क्रिकेट ट्रेनिंग ली थी। इसके अलावा धोनी सर को ऑब्जर्व करने के लिए सुशांत घंटों तक धोनी सर का मैच देखा करते थे, और साथ ही सुशांत सर हर सप्ताह अपने क्रिकेट प्ले को बेटर करने के लिए बॉल वाले मशीन गन के सामने एक दिन में 200 से 300 शॉट खेलते थे, ताकि उनमें क्रिकेट नेचुरली आ सके और हर सीन परफेक्ट तरीके से शूट हो सके। दोस्तों आपको बता दूं कि सुशांत सर ने धोनी सर का हेलीकॉप्टर शॉट भी सीख लिया था, जिसे आपने मूवी में देखा ही होगा। क्रिकेट ट्रेनिंग के अलावा सुशांत सर ने अपनी फिजिक्स पर भी जबरदस्त मेहनत की थी, क्योंकि इसके लिए उन्होंने अपनी बॉडी को कम्प्लीटली फिट किया था। दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग में 90% हिस्सा रियल लोकेशन से लिया गया था, जहां पर धोनी सर ने अपना बचपन और जवानी बिताई थी। आपको बता दें कि सुशांत सर ने धोनी सर की बॉडी लैंग्वेज को पूरी तरीके से कैच कर लिया था। आप स्क्रीन पर दोनों को मस्ती करते हुए देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो के लास्ट में सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि सुशांत सर हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। उनका टैलेंट, उनका डेडिकेशन देख के आज भी वही मोटिवेशन मिलता है जो पहले मिलता था। तो चलो दोस्तों अब वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ऐसे ही बिहाइंड द सीन देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।